इंदौर गरीब बुजुर्गों को शहर के सीमा पर छोड़ने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर शनिवार को कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता डीआईजी ऑफिस पहुंचे और आईजी हरिनारायण चरण मिश्र से मुलाकात कर 10 बुजुर्गों के लापता होने की जानकारी देते हुए दोषी निर्गम कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सड़कों पर रहकर जीवन यापन कर रहे गरीब और बेसहारा लोगों को निगम की गाड़ी में भरकर शहरी सीमा से बाहर छोड़ा जा रहा था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इनका विरोध भी शुरू हो गया। इसी को लेकर शनिवार को कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता डीआईजी कार्यालय पहुंचे। इंदौर डीआईजी से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रेन बसेरे में मात्र 4 ही लोग पहुंचे हैं लेकिन 10 अभी भी लापता है जिसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने इंदौर डीआईजी से उक्त बुजुर्गों को ढूंढने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी की है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। इसमें का कुछ इस घटना के आधार पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गलती पाए जाने पर तत्काल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इसमें निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। उस कड़ी में एक ज्ञापन दिया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसमें कुछ लोग मिसिंग हैं। बहरहाल उसमें वीडियो उपलब्ध है, उसमें वीडियो के आधार पर देखा जाएगा। जहाँ तक का प्रारंभिक जानकारी है उसमें सभी लोगों को रैन बसेरा में पहुँचा दिया गया था। बहरहाल इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर जांच की जाएगी कि अगर कोई मिसिंग है तो पुलिस उसे निश्चित तौर पर ढूंढेगी। बहरहाल इसमें इनके जो ज्ञापन के जो तथ्य हैं उसको पुलिस निश्चित तौर पर वेरीफाई करेगी, पड़ताल करेगी। लेकिन देश की बड़ी शर्मनाक घटना थी, उसके बावजूद भी ये ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको घटना पर शिकायत ले रहे हैं, ना कार्रवाई कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ना कोई भी कार्रवाई करना तैयार नहीं। कल से लेकर आज तक जरा 15 लोग थे, 15 लोगों में 10 लोग अभी भी गायब हैं। मात्र 4 लोगों को मिले जिले के अंदर, उन लोगों में खाने की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं। हम वहाँ जाके उनकी हमने उनकी व्यवस्था कराइए और साथ में उनको ले आए आईजी साहब के पास भी इनमें कार्रवाई होना चाहिए तत्काल, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी ने जो कराए गलत किया है। परंतु ये लगातार हमें मालूम पड़ा कि 15 दिन से लगातार इंदौर शहर में जितने भी अधिकारी लोग हैं उनको उठा के शहर के बाहर फेंका जा रहा है और उसमें कोई भी मरता है या कोई लावी लाश मरती है तो उसका जिम्मेदार नगर निगम अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, होना होंगे और उनको 302 कार्रवाई होना चाहिए और अपहरण का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि अभी 10 लोग गायब हैं। तो इनको कहाँ छोड़ के आए अभी भी नहीं मालूम। मात्र अभी 4 लोग हैं, वहाँ एक अम्मा है जो 100 साल की है, वो एक बेचारा नेपाली है जो उसको पालता है, संभालता है। उन लोगों को गाड़ी में भर के बाहर फेंक दिया था तो उन लोगों लिखा है एक आकाश है उसका पाँव कटा हुआ, पाँव से खून निकल रहा है, तो उसको ना उनको इलाज कराया ना कल से लगा अभी तक हम साथ में मिले गए, आपने देखा होगा जरा पाँव कटा हुआ है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। तो कल से कोई भी कुछ होता है इनको तीन दो मुकदमा कायम होना चाहिए और अभी जो है जो भी अधिकारी कर्मचारी उनको सस्पेंड करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री की मांग करता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता है तो कल मुख्यमंत्री के लिए दौरा रहे, कल उनको घेराव कर जाएगा, नहीं माना जाएगा तो फिर प्रदर्शन किया जाएगा वगैरह कराया। और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का हमने आदेश बोला है, क्योंकि साफ जाहिर है कि आप किसी व्यक्ति को वीराने में छोड़ देते हैं, गरीब को, और वहाँ पर किसी चीज़ का सहारा नहीं है। आप उनको रैन बसेरे में क्यों नहीं छोड़ के आए? 15 रैन बसेरे हैं 12 इंदौर में। अगर हम उनमें वहाँ पर छोड़ देते, हम वृद्धा आश्रम में छोड़ देते, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ बुज़ुर्गों को और अपाहिजों को रखा जाता है, हम वहाँ छोड़ देते, यानी एक आत्मा को हिलाने वाली बात है कि आप वीरानी सड़क पे एक बुज़ुर्ग महिला, और एक आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो शिवाजी वाटिका के वहीं रहते हैं और मेरा भी घर वहीं से ही निकलना होता है रोज़, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं, गाड़ी में से ही देते हैं, आते जाते हैं। तो हमें मालूम था कि ये जो भैया हैं ये इनकी रियल मदर नहीं है, ये सिर्फ एक सड़क का रिश्ता बना है, वो निभा रहे हैं। तो हमारे शहर में हम कभी भी सरकार को इतना परेशान नहीं करते कि गरीबों को खाना दो या गरीबों को छत दो। अगर उसमें 150 लोग ऐसे हैं तो हम उनकी क्या जान ले लेंगे? और स्वच्छता में नंबर 1 आना, तो क्या शहर के जो गरीब हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, हमें क्या उनकी हत्या कर देना चाहिए या उनको कचरा समझ के शिप्रा में छोड़ देना चाहिए? किस तरीका की ये सोच थी और किसके आदेश थे ये जिस तरह से उन्होंने इन लोगों के साथ किया? और भला हो उन गाँव वालों का
होगा जिन्होंने इनको छोड़ते हुए देखा और आवाज़ उठाई और वापस गाड़ी में बिठा के, और ये सब चीज़ें वायरल हुई। और आपको मालूम नहीं है कि इससे पहले भी 150 लोगों को ये उठा के कहीं छोड़ के आ चुके हैं, और इतना तक डराया इनको कि अगर आप यहाँ नहीं उतरे तो हम आपको भोपाल से भी आगे छोड़ देंगे। तो ये एक कृत्य बहुत डरावना है और आत्मा को हिलाने वाला है, और पूरे देश में इंदौर की जो छवि धुलमिल हुई है और ख़राब हुई है कि गरीबों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ अगर शहर नंबर वन इस तरह से आ रहा है तो कभी ऐसे शहर को नंबर वन आने की कोई भी आगे पहल नहीं करेगा। इसमें क्या लगता है आपको, किन अधिकारियों के निर्देश पर इस तरह की यह हुई है? क्योंकि निगम कर्मचारी ने भी इस तरह का कुछ किया तो बना के निगम किसी अधिकारी के कहने पर एक दिखावटी कार्रवाई करके उसको लाइन अटैच करके भोपाल पहुँचाना, जो कि बहुत गलत है। आप देखिए, छोटी से छोटी कार्रवाई या कृत्य करते हुए अधिकारी शहर की जनता के मकान तोड़ दिए जाते हैं, तो उन अधिकारियों को सिर्फ लाइन अटैच करना, कल अगर वो गांव वाले नहीं देखते और उनकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो ये एक जो सत्ता पक्ष में बैठी सरकार है, जो अपना मुंह नहीं खोल रही है, जो अपनी बात नहीं रख पा रही है, शहर और देश देख रहा है कि भाजपा की जब सरकार आती है तो किसी की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।